हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम क्रैक पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम से जिस जिस टाइप का क्वेश्चन सेल में पूछे जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था एग्जाम प्रिपरेशन वाला वीडियो में कि आपका एक बोट एंड स्ट्रीम से और दो या तो फिर तीन ट्रेन से, मतलब कुल मिला के टोटल आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो चैप्टर है वहाँ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स और बहुत बढ़िया से आपको करना पड़ेगा क्योंकि उसमें जो 3 से 4 क्वेश्चन आता है हर साल पूछा जाता है। आई होप कि इस साल भी पूछा जाएगा। तो वो 3 से 4 क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से करना पड़ेगा और बहुत ईजी आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम से जिस टाइप का क्वेश्चन सेल में पूछा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बोलना चाहूँगा, जैसा मैंने बताया था कि मैं सेल का पूरा सिलेबस इस चैनल पर कवर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुका हूँ और 2 या 3 वीडियो आएगा मेरे हिसाब से, और रीजनिंग जो है 70% क्लियर हो गया है और भी थोड़ा सा बचा है, वो भी बहुत जल्दी मैं क्लियर कर लूँगा। और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स तो चलता ही है, मैं हर महीना एक वीडियो करके अपलोड करता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट 6 मंथ का एक मैं बढ़िया से 3 पार्ट या 4 पार्ट बना के मैं अपलोड करूँ ताकि आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि सेल में जिस टाइप का करंट अफेयर्स आता है वो लास्ट 6 मंथ का ही वहाँ पर आता है। सेल क्या है, जितना मतलब कहीं पर भी आप जाइए, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप जाइए, लास्ट 6 मंथ का ही आता है। तो फ्रेंड्स, मैं वो सोच रहा हूँ, लेकिन पहले मेरा जो टारगेट है कि सेल वाला जो सिलेबस है पूरा 100% कवर करना। उम्मीद करते हैं कि आने वाला कुछ ही दिन में ये मैं कवर कर पाऊँगा। तो अभी मैं इंग्लिश अभी तक चालू नहीं किया हूँ इसीलिए, क्योंकि मेरे को पता था पहले से ही RSP का एग्ज़ाम सबसे पहले होगा, जितना सारा स्टील प्लांट का वैकेंसी आया है सेल का। तो इसीलिए मैं इंग्लिश में अभी तक चालू नहीं किया हूँ, क्योंकि सेल RSP में इंग्लिश पूछता नहीं है। आई होप कि इस साल भी नहीं पूछेगा। जैसे ही मेरा सिलेबस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं इंग्लिश चालू करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बोट एंड स्ट्रीम वाला जो चैप्टर है वहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट का, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ द की ऑफ सक्सेस। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बस देखते रहिए, आपका पूरा ये डाउट मतलब पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं इसका पहले जितना सारा वीडियो बनाया हूँ उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस किस टाइप के क्वेश्चन सेल में पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट जो चीज़ है, आपको कन्वर्सेशन बढ़िया से करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा जो मैथ दिया है उसमें क्या किलोमीटर पर आवर दिया है ना, तो फिर मीटर पर सेकंड दिया है। अगर मीटर पर सेकंड दिया है और आपको क्लियर आपको किलोमीटर पर आवर में करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उल्टा भी सही है, मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर दिया है, किलोमीटर पर आवर उसको आप मीटर पर सेकंड में करोगे तो फिर 5/18 इसका उल्टा हो जाएगा, 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़। अभी दूसरा चीज़ मैं बताऊंगा, इसको अगर आप बढ़िया से समझ लोगे तो आपका एक भी मैथ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 4 चीज़ होता है। एक होता है आप स्ट्रीम का स्पीड, एस आप, जिसको हम लोग लिखते हैं एस आप से। एस आप मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एस आप मतलब होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम। बोट का जो स्पीड है अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एस आप, मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है। और एक चीज होता है एस डी मतलब फ्रेंड्स हो गया स्पीड ऑफ द बोट विथ द स्ट्रीम, मतलब ये हो गया विथ द स्ट्रीम। और दो चीज़ क्या होता है फ्रेंड्स, ये हो गया एक नंबर चीज़, ये हो गया दो नंबर चीज़, और तीसरा चीज़ क्या होता है, तीसरा चीज़ होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, ठीक है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। और एक चीज़ क्या होता है एस एस
मतलब स्पीड ऑफ द करेंट आप बोल सकते हैं, या तो फिर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये चार चीज़ फ्रेंड्स होता है, ये चार इंडिकेशन है, मैं इसी इंडिकेशन से पूरा मैथ सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, अभी देखिए इसमें दो फॉर्मूला आता है, क्या क्या फॉर्मूला आता है, एस डाउन स्ट्रीम। एस डाउन स्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ द बोट विद द स्ट्रीम। मतलब इसमें क्या होता है, बोट का जो स्पीड है और करंट आप बोल सकते हैं, वाटर बोल सकते हैं, उसका जो स्पीड है वो एडिशन होता है डाउन स्ट्रीम में, ऐड होता है। और एस अप स्ट्रीम में क्या होता है फ्रेंड्स, एस अप स्ट्रीम में होता है ये माइनस। बस इसी को आपको समझना है, अगर आप समझ जाओगे तो आपका मैथ पूरा बन जाएगा। ये हो गया एक नंबर इक्वेशन, ये हो गया दो नंबर इक्वेशन। दोनों इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो दो चीज़ आएगा, क्या क्या आएगा फ्रेंड्स, एक हो जाएगा एस एस मतलब एस एस मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम और वाटर और रिवर और करंट जो भी बोलेगा, तो एस एस मतलब हो जाएगा माइनस होगा, एस डी माइनस एस आप बाई टू, और हो जाएगा एस बी मतलब बोट का जो स्पीड है वो हो जाएगा एस डी प्लस एस आप बाई टू। ये दो चीज़ आप आपका दिमाग में लॉक कर लीजिए, एक भी मैथ प्रॉब्लम नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एकदम लोअर लेवल से चालू करूँगा और वहाँ पर जा कर के रुकूँगा जहाँ तक सेल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ओनली सेल में नहीं, जितना सारा एग्ज़ाम होता है एचएस लेवल का, टेंथ लेवल का, टेंथ लेवल से लेकर के एचएस लेवल तक जितना सारा एग्ज़ाम होता है इंडिया में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में जो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, देखिए बढ़िया से पढ़िएगा। इफ़ ए मैन रोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टेकिंग 3 आवर्स टाइम, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बोला गया है एक आदमी जो है 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है, 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया है, दोनों में 3-3 घंटे करके लगाया है, मतलब 15 किलोमीटर जाने में भी 3 घंटे लगाया है और 21 किलोमीटर जाने में भी 3 घंटे लगाया है। तो बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब एस एस क्या होगा यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूँ, एस आप मतलब आप स्ट्रीम का जो स्पीड है, क्या बोला गया है 15 किलोमीटर आप स्ट्रीम, तो यहाँ पर 15 लिख रहा हूँ, तो 15 किलोमीटर गया है फ्रेंड्स 3 घंटा में, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 15 / 3 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर/आवर। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा फ्रेंड्स, देखिए बहुत बढ़िया से देखिएगा, क्या बोला गया है 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 3 घंटा लगाता है, तो 21 किलोमीटर जाने में अगर 3 घंटा लगाएगा तो स्पीड 1 घंटा के हिसाब से होता है, तो 21 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लगाएगा तो 1 घंटा में जाएगा 21 / 3, जैसे मैंने ऊपर में किया यहाँ पर वैसे ही कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 7 किलोमीटर/आवर। ठीक है, ये दो चीज़ मैथ में दिया है। अभी पूछा गया क्या कि द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब एस एस कितना होगा, जैसे मैंने फ्रेंड्स आपको मैं अभी जस्ट बताया कि एस एस में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम के साथ अप स्ट्रीम जो है माइनस हो जाता है, डिवाइडेड बाई टू हो जाता है। चलिए एस एस का जो फॉर्मूला है मैं और एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो पाए। इसीलिए एस एस मतलब होता है एस डाउन डिवाइडेड बाई एस आप, सॉरी एस डाउन माइनस एस आप डिवाइडेड बाई टू, दैट इम्प्लाइज हो जाएगा एस डाउन यहाँ पर कितना है फ्रेंड्स 7, एस आप कितना है 5, तो 7 - 5 डिवाइडेड बाई टू मतलब 1 किलोमीटर/आवर, ये हो जाएगा आंसर। ये अगर ऑप्शन ए में रहेगा तो ऑप्शन ए को टिक कर दीजिएगा, जहाँ पर रहेगा उसको टिक करना है। ठीक है, देखिए कितना कितना ईजी है, इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम लोग थोड़ा अलग टाइप का जो थिंकिंग रखते हैं दिमाग में, इसीलिए इतना ईजी सवाल को भी हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्लियर करता हूँ, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्किंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन इज लेट बाय 2.5 आवर्स, फाइंड द यूजुअल टाइम। तो यहाँ पर बोला गया है अगर 3/4 जो यूजुअल स्पीड है उसका वर्किंग करेगा उसका हिसाब से, तो एक आदमी जो है 2.5 घंटा लेट पहुँचेगा कहीं पे, तो यूजुअल टाइम कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये इतना ये सब मैथ में आपको थोड़ा सा भी थिंकिंग नहीं करना है, क्या करना है मैं बताऊंगा आपको, ट्रिक्स आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा। देखिए जब भी 3/4 दिया जाएगा और यहाँ पर 2.5 दिया जाएगा, इस टाइप का मैथ में आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बहुत बढ़िया से समझिएगा फ्रेंड्स।
ये इस टाइप का मैथ मेरा हिसाब से लास्ट ईयर राउरकेला में पूछा गया था, मेरा हिसाब से लास्ट ईयर राउरकेला में इस टाइप का मैथ पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, 3/4 बोला गया है, टू टू एंड हाफ बोला गया है, आपको और कुछ पढ़ना नहीं है। 3/4 को आप उल्टा कर दीजिए, 4/3 कर दीजिए, टी टी मतलब टाइम, माइनस जो ओरिजिनल टाइम है उसको आप, मतलब यूजुअल जो टाइम है उसको आप टी मान के चलिए, माइनस टी इक्वल्स टू 2.5 इक्वल्स टू 5/2। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू 7.5 आवर्स। ये हो जाएगा मैथ, एक लाइन में ही हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको उल्टा कर देना है, और यूजुअल टाइम जो है उसको आप टी मान लीजिएगा, और टी का साथ इसका साथ टी माइनस कर दीजिएगा, करने के बाद यहाँ पर जो बोला गया है इसको पुट कर दीजिएगा, और टी का जो जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा आंसर। देखिए कितना जल्दी हो गया आपको, बहुत बढ़िया से ये वाला जो सवाल है ना, बहुत VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर 3/4 का जगह 5/4 भी दे सकता है, 7/8 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आपको, बस मेथड जो है वही ऐसा ही फॉलो करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या मैथ है देखते हैं। आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर हो रहा है, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप नीचे मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं 100% कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, ए बोट गोज 16 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम इन 2 आवर्स, मतलब 16 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम गया है 2 घंटा में, एंड डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, मतलब डाउन स्ट्रीम 16 किलोमीटर ही गया है 1 घंटा में। फाइंड हाउ मच टाइम दिस बोट विल टेक टू ट्रेवल 32 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो बोला गया है कि बोट जो है कितना टाइम लगाएगा 32 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो चीज़ बोला गया है, एस ऑफ स्ट्रीम कितना बोला गया है 16, तो 16 किलोमीटर जाता है 2 घंटा में, तो इसका स्पीड हो जाएगा 16/2 इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितना सारा यूनिट है ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसलिए मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका जो ऑप्शन है वहाँ पर मीटर पर सेकंड में देगा, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने एकदम शुरू में कंसेप्ट में बताया था। तो जो भी है, यहाँ पर एस ऑफ स्ट्रीम बोला गया है, मतलब आ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, और एस डाउन स्ट्रीम फ्रेंड्स कितना आएगा, 16 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा में, तो मतलब हो जाएगा 16/1 इक्वल्स टू 16 किलोमीटर पर आवर। तो अभी क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है कि हाउ मच टाइम दिस बोट विल टेक टू ट्रेवल 32 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा कि स्टील वाटर मतलब एसीएस कितना है पहले मेरे को निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो है उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, हम उसको वो वाला जो वो ये आएगा टाइम आएगा उसका साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइंड हाउ मच टाइम दिस बोट विल टेक टू ट्रेवल 32 किलोमीटर इन स्टील वाटर। तो एस बी मेरे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि बोट का जो स्पीड है वो मेरे को निकालना पड़ेगा। तो फिर 32 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, बहुत जल्दी डी टी टाइम एंड डिस्टेंस का जो सबसे सबसे फेमस इक्वेशन है, डी सुमन एस टी, वहाँ पर हम पुट करेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एस बी मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस ऑफ स्ट्रीम डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम कितना आया 16, प्लस ऑफ स्ट्रीम कितना आया फ्रेंड्स 8/2, 16/8 कितना हो गया 24/2, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर, यह हो गया एस बी, ठीक है। तो अभी क्या बोला गया है, मतलब स्पीड ऑफ बोट, अभी क्या बोला गया है कि 32 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो फ्रेंड डी सुमन एस टी अगर होगा तो टी सुमन कितना होगा डी बाई एस, तो डी यहाँ पर कितना बोला गया 32/S, एस मतलब एस बी बोट का स्पीड 32/12, मतलब हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, तो 8/3 किलोमीटर पर आवर। अगर ऑप्शन में आपका मीटर पर सेकंड में रहेगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। तो आई होप फ्रेंड्स आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया है, बस बहुत टफ नहीं आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिलहाल वीडियो इतना तक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम क्रैक पॉइंट को, और लेटेस्ट वीडियो जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपडेट होते जाओगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।